खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज नवरात्र का पांचवा दिन है। आज के दिन देवी के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्कंद माता, जितनी भी माताएं हैं उनको अपनी संतान के लिए आज के दिन स्कंद माता की पूजा से उनकी सलामती के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सौभाग्य आता है। कौन से मंत्र का आज आपको करना चाहिए जाप, कौन सा रंग आज का है, सब कुछ गुरुजी से जानेंगे। कैसे करना है माता को प्रसन्न, इसके अलावा नवरात्र महात्मय, परवरिश टिप, दिन का शुभ शुभ समय और रोजमर्रा वाली सभी बातें आपके राशिफल के साथ हम गुरुजी से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम राम गुरुजी। मां भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड़ प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। गुरुजी, स्कंद माता का स्वरूप कैसा है और कैसा आशीर्वाद प्राप्त होता है स्कंद माता की आराधना से, और सबसे अहम बात कि कौन सा रंग, नंबर, पाठ आज लोगों को करना चाहिए? कई बार होता है संतान नहीं होती, कई बार होता है संतान हुई बीमार है, खुश नहीं है, कोई ना कोई उसमें परेशानी आ रही है, और कुछ नहीं तो संतान को कुछ शत्रु ही परेशान कर रहे हैं। अनेक बार ऐसा होता है, आपकी जानकारी में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। इस दिन की गई पूजा से संतान की परेशानियां समाप्त हो सकती है। जी हाँ, तो ये पूजा आपने सुबह आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने के उपरांत अब लिखिए आपको क्या क्या चाहिए, जिसमें सबसे पहले रंग, पीला रंग पहना जाता है इस दिन की पूजा में। पीले रंग का आसन हो सकता है, पीला धागा हो सकता है, पीली चादर शॉल आदि आप ले सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, माता को भी पीले पुष्प ही भेंट किए जाने हैं। इस दिन अध्याय कौन से पढ़ेंगे आप? नौवां और दसवां अध्याय पढ़ना है, और किस समय पढ़ना है? सूर्य उदय से एक घंटे के भीतर या तो पढ़ना है या 11:43 से 12:33 के बीच में पढ़ना है। पूजा शुरू इस समय कीजिए, उसके बाद फिर कभी तक भी उसको जारी रख सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों समय में आप नहीं कर पाते हैं तो सूर्य अस्त के एक घंटे के भीतर भीतर आप ये पूजा शुरू कर दीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा, पीले पुष्प अर्पित करके, आरती आदि करके फिर ये पाठ प्रारंभ कीजिएगा। नवा और दसवां मंत्र कौन सा है और मंत्र किस समय जपना है जो आपको उनकी कृपा प्राप्त हो, ये मैं भी बताऊंगा। उम्मीद है आपने ये सारी महत्वपूर्ण बातें नोट कर ली होंगी, क्योंकि आज आपको करनी है देवी के पांचवें रूप की पूजा, और उसके लिए रंग कौन सा शुभ होगा वो गुरुजी ने आपको बताया है, मंत्र भी हम जानेंगे कौन सा जपना है, लेकिन उससे पहले राशिफल की बात। गुरुजी, पहली चार राशियों का दिन कैसा होगा? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का आज सुनिए। मेष राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, जम के मेहनत करें, धनदायक दिन है ये, दोपहर के बाद आपका दिन और बेहतर हो जाएगा, इसलिए कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी चूकिएगा नहीं, बस एक सावधानी स्वास्थ्य को लेकर जरूर रखनी है। उपाय क्या करना है? बेसन का दान करना है। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ अच्छे कार्य आपके बन सकते हैं, कुछ परेशानियां संकट तो रहेगा लेकिन फिर भी आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। यदि आपके जीवन साथी हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन भावावेश में आकर किसी से कोई बात मत कह दीजिएगा, एक छोटा सा उपाय, जिन फलों का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि, शत्रु के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिन आपके लिए कमजोर है, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आप पिछड़ भी सकते हैं इस दिन, तो आपको इस दिन ज्यादा मेहनत करनी है और धैर्य भी रखना है। एक छोटी सी सावधानी, आपको इस दिन सर्दी गर्मी या बुखार वगैरह से बच के रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम गंगणपताय नमः का जप कीजिए और गणपति जी को दूर्वा घास भेंट करके फिर काम पर जुटिए। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, अच्छे लोगों से संबंध आपके जुड़ेंगे, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चिंताएं आपको लगी रहेंगी, फिर भी दिन मैं कहूंगा अच्छा है। सावधानी, इस दिन बहुत सकारात्मक रहिएगा, मर्यादित रहिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए।
ध्यान से नोट करते चलिए अपनी सावधानियां और उपाय, क्योंकि दिन को अच्छा बनाना है और देवी की आराधना भी करनी है। कैसे करनी है वो गुरुजी लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले परवरिश टिप भी जान लीजिए। गुरुजी वो क्या है? एक बात, आज की परवरिश टिप ये है कि अगर बच्चे पैर को अंदर करके इस तरीके से चलते हैं तो ये तो अच्छा है कि जब वो चलेंगे तो लगेगा बहुत एप्टली चल रहे हैं, बहुत बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, चुस्त हैं। लेकिन आगे जाकर ये चीज़ उनके कंधे से कमर तक के बीच में परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए बच्चों को सीधे पाँव रखकर चलना सिखाइएगा। कितनी पते की और महत्वपूर्ण बात है, तो जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बच्चों के अंदर उनको सही तरह से परवरिश स्वास्थ्य देने के लिए हमें छोटी छोटी बातें अपनी रोजमर्रा के जीवन में जरूर शामिल करनी चाहिए। और अब उन लोगों की बात जिनका है आज जन्मदिन, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? दिन का भी आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों की ओर से। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने भी बहुत अच्छे हैं, आपको इन 12 महीनों में जम के काम करना है जिससे आपको खूब सारा लाभ मिल सके। कहीं ट्रांसफर हो सकता है अच्छी जगह, कोई नया कार्य हो सकता है, खूब यात्राएं हो सकती हैं, उससे आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लाभ भी, आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। बस इन 12 महीनों में दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो रिश्ते बेहद कमज़ोर होंगे और दूसरा आपका स्वास्थ्य बार बार परेशानी पैदा करेगा। हाँ, एक चीज़ और, इन 12 महीनों में आलस्य की वजह से आप बहुत सारे कार्य छोड़ेंगे, तो अपना शेड्यूल बनाइए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए, बहुत डिसिप्लिन लाइफ बिताइए और कुछ नया सीखने समझने की कोशिश कीजिए। और हर सोमवार और मंगलवार बेसन या बेसन की मिठाई का दान कर दिया कीजिए। गुनगुना पानी रोज जरूर पीना है, ठीक है? आप ये उपाय कीजिए और इन 12 महीनों में खूब सफलता अर्जित कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो आपने साल के बारे में तो जान लिया, क्या चुनौतियां मिलने वाली हैं ये भी पता चल गया, और क्या नहीं भूलना है वो उपाय जो गुरुजी ने आपके लिए बताया है। और अब बात नवरात्र महात्म्य की, गुरुजी आज आपके अनुभव से सब क्या सीखने जा रहे हैं? सच्ची घटना सुनाता हूँ। अरे वाह। एक बार क्या हुआ, एक जानकार थे हमारे, संतान नहीं हो रही थी। और कई बार ऐसा होता है, और आप लोगों के जीवन में भी कुछ लोगों का ये अनुभव होगा जो आपको पता होगा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं सब ठीक है, अब समय का इंतज़ार करो, तो संतान नहीं हो रही है, शरीर ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसे में न जाने किस प्रेरणा से मैंने उनको बोला कि आप माँ स्कंद माता की पूजा करना शुरू कीजिए, एक वर्ष तक ये पूजा कीजिए। माँ ने सुनी साहब, अब जिन्होंने ढंग से की मैं उन्हीं की बात बताता हूं आपको, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, इधर सुने इधर निकाल दिया, ये जरूर का आपके उपाय बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सरल होते हैं, उससे थोड़ी कुछ होता है, करने से होता है। तो जिन लोगों ने किया और उन्हें सफलता मिली, संतान हुई, तो ये अद्भुत उपाय है, ये अद्भुत उपाय है। मंत्र में आपको बताऊंगा, उस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, संतान को कष्ट पे कष्ट, संतान बीमार या शत्रुओं से परेशान या घर में कलह से संतान परेशान, तो भी माँ स्कंद माता का जप नियमित रूप से प्रारंभ बने करवाया, और इससे क्या लाभ हुआ, संतान सुखी हुई। हालांकि हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेके आता है, लेकिन माँ के इफर्ट से बहुत फायदा होता है। तो इसे दोनों लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं, और इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अब क्या करना होता है, इसमें रोजाना पशु पक्षियों को दाना देना होता है और भोजन देना होता है, पक्षियों को दाना, पशुओं को कुछ खाने को दीजिए। और जो जप मैं अभी आपको बताऊंगा, वह जब एक वर्ष तक, न्यूनतम एक वर्ष तक आपको अवश्य करना होगा। देखिए, माँ की जरूर कृपा प्राप्त होगी जैसे उनको हुई थी।
तो ये वो सच्ची घटनाएं हैं जिनको गुरुजी ने सालों की साधना के दौरान देखा है, परखा है, लोगों से सुना है। तो आपको भी शो के माध्यम से रोजाना ऐसी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं, तो आप भी उनसे जरूर प्रेरणा लें। और अब स्कंद माता की बात, गुरुजी और क्या ध्यान रखें पूजा के दौरान? इस दिन लाल पुष्प माँ को अर्पित कीजिए और उसके बाद इस दिन बच्चों को भोजन अवश्य दीजिए, जो घर में बना हो या जो आप बाहर से खरीद के भी देना चाहें, वह भोजन इस वक्त सेवा भाव से जरूर दीजिए कुछ बच्चों को। ये कितने भी हो सकते हैं, 5, 7, 8, 9, 11, ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है। और साथ ही साथ यज्ञ आदि करने के उपरांत जो पाठ मैंने बताया वो तो आप करेंगे ही, मंत्र और मंत्र का समय मैं अभी बताऊंगा, उस समय पे वो मंत्र जरूर कर लीजिएगा। माँ स्कंद माता आपके बच्चों की देखभाल स्वयं कर लेंगे। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसीलिए आप ध्यान से याद रख के नोट करते चलिए। आगे वो मंत्र भी आने वाला है जो आज आपको जपना है, लेकिन पहले शुभ अशुभ समय जी सुनिए। अशुभ समय में 2 मुहूर्त रहेगा, सुबह 10:13 से 11 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2:54 से 3:41 तक, गुलिक काल रहेगा सुबह 9:14 से 10:42 तक, यमगण काल रहेगा सुबह 6:19 से 7:46 तक, और राहु काल रहेगा दोपहर में 1:38 से 3:06 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:47 से 12:33 तक, और अमृत काल इस दिन नहीं मिल रहा। ध्यान रहे, कोई भी महत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं तो शुभ समय पर ही करिए। राशि फल की बारी, गुरुजी बीच के 4 राशियों का दिन कैसा होगा? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल सुनिए। सिंह राशि, दोपहर बाद आपके लिए यह दिन अच्छा है। अपने वाहन का आपको ध्यान रखना होगा, वाहन संबंधी खरीद फरोख्त करने के भी योग बनते हैं या इच्छा जागृत हो सकती है, लेकिन एक विशेष सावधानी, इस दिन माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मित्रों से आपको परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखें, और कहीं अगर कोई बुलाए विशेष कार्य के लिए तो आलस्य की वजह से जाना मत छोड़िएगा। उपाय क्या करेंगे, दूध का दान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए भागदौड़ भरा तो है लेकिन अच्छा है, कोई अचानक यात्रा हो सकती है, लाभ मिलेगा, भाग्य पक्ष इस दिन प्रबल है, इसलिए रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। रात तक आते आते आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी उदासी और उदासीनता दोनों खत्म होगी। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन घर के बुजुर्गों की बहुत केयर कीजिएगा, इज्जत कीजिएगा, उनसे झगड़ा झंझट मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। तुला राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन विशेष कार्य करने से धन और प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, लेकिन एक सावधानी, इस दिन आप अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ आपका शत्रु आपके पीछे पड़े हुए, सतर्क रहिएगा, अपनी ओर से कोई गलती कीजिएगा मत। उपाय क्या करना है, इस दिन आप सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सब स्थितियों से बेहतर है, आपको परेशानियों से उबारने वाला सिद्ध होगा, इसलिए इस दिन आप खूब मेहनत करें, विद्यार्थियों को खास तौर से लाभ मिल सकता है, प्रमोशन की बात करने के लिए शाम के बाद का समय अच्छा रहेगा। बस एक छोटी सी सावधानी, ठंडी चीजों का परहेज करें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप जरूर करें और किसी बुजुर्ग की किसी रूप में भी सेवा अवश्य करें। और अब उस मंत्र की बारी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, गुरुजी आज का मंत्र क्या है जिसका जाप करना चाहिए? हाँ, और किस समय करना चाहिए, हाँ। ये दोनों बातें सुनो, मंत्र नोट कीजिए, ओम देवी स्कंद माताए नमः, लाल पुष्प अर्पित करेंगे और इस मंत्र का आप एक माला कम से कम उच्चारण करेंगे और उसके बाद नवान मंत्र का जप करेंगे। इसके साथ साथ अर्घ्य स्त्रोत का पाठ इस दिन करना विशेष फलदायी रहता है, तो आप अर्घ्य स्त्रोत का पाठ भी अवश्य कर लीजिएगा। और ये सारे काम आपको करने हैं 9:30 से 12:30 के बीच में, रात को दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, आप अगर किसी मंदिर वगैरह में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे जाकर बैठकर और अपना कार्य शुरू कीजिए, लेकिन आप घर में पूजा कर रहे हैं तो दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिएगा।
बस कीजिए जप और मैया की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। समय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और मंत्र का सही उच्चारण भी जरूरी है। तो हर रोज कौन से दुर्गा की आराधना आपको करनी है, उन सबके स्वरूप के मंत्र गुरुजी बताते चलेंगे। और अब अंतिम चार राशियों की बात, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ ठंड आपको पकड़ सकती है, नजला, खांसी, जुकाम वगैरह, इससे आपको बचना होगा, सावधानी। इस दिन ठंडी चीजें, खट्टी चीजें अवॉइड कीजिएगा, गुनगुना जल अवश्य पी लीजिएगा, काढ़ा भी इस दिन पी लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लीजिएगा। इस दिन कोई आपको परेशान करेगा, कोई तंग करने की कोशिश कर सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, तुलसा जी का एक पत्ता अच्छे से धोकर जिवाह के नीचे रखकर अपने इष्ट का नाम लीजिएगा 11 बार, फिर काम पर जुटिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, रुके हुए कार्यों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, रिश्तों में गर्माहट रहेगी, आपको लाभ भी मिलेगा, रिश्ते मदद भी करेंगे। बस एक छोटी सी सावधानी है, इस दिन छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, आप इस दिन लाल पुष्प अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करके थोड़ी देर उनका ध्यान करके फिर काम पर निकलिएगा, और जो काम करें वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कुंभ राशि, समय आपके लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा देने वाला समय सिद्ध होगा, लंबे समय से जो मेहनत आपकी चल रही है उसका कुछ परिणाम इस दिन आपको मिल सकता है, तो कुल मिला के समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिएगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, जल्दबाजी में बदले की भावना से, घमंड से, नादानी के वश आप किसी से कुछ कह मत दीजिएगा जिससे वो बुरा मान जाए, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जप करना और इस दिन आपको किसी मिठाई का दान जरूर अवश्य करना है। मीन राशि, समय तो आपके लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन विद्यार्थियों को उस दिन सफलता के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मिलने में दिक्कत होगी, घर के लोगों से भी आपको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी वाहन को लेकर अवश्य बरतिएगा। बाकी एक उपाय कर लें, और इस दिन का उपाय क्या, ओम नारायण नमो नमः का आप जप कीजिएगा और इस दिन सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य बांधिएगा और हो सके तो गौ माता की सेवा कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। चलिए, राशियों का हाल आपने जान लिया, सावधानियां उपाय भी जान लिए, और सबसे अहम बात कि देवी को कैसे प्रसन्न करना है, किन बातों का रखना है ध्यान, पूजा का सही समय, सब कुछ आपको पता चल गया। अब वो सुंदर विचार भी जान लीजिए जो दिन को और अच्छा बना देगा। गुरु जी आज का विचार सुनिए। सोशल मीडिया के इस दौर ने सबको सब पर अविश्वास करना सिखा दिया, इससे जिंदगी नरक हो जाएगी। विश्वास करना सीखिए और किसी का विश्वास रखना सीखिए और देखिए उसके बाद सुख की अनुभूति जो आप महसूस करेंगे, उससे आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसे ही तो कहते हैं अच्छी नेचर वाला व्यक्ति है। अरे वाह, उत्तम विचार, वाकई दिन बन गया सुनकर। वैसे तो कितने अच्छे दिन चल रहे हैं और उसमें रोजाना सुंदर सुंदर विचार और महात्मा गुरुजी जो आपको बता रहे हैं, आप मानकर चलिए कि उनके अनुभव से कितना कुछ सीखने और प्रेरणा लेने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैया की कृपा आप पर जम के बरसे, आपके घर में संतान हो, जो हो वो सुखी और स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय और अम्बे मात की जय। तो आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल देवी के अगले स्वरूप की आराधना कैसे करनी है आपको हम बताएंगे, लेकर लौटेंगे एक और एपिसोड। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।